हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं जो कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। इसे हम बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ताकि जब भी आप प्रॉब्लम्स करें तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला वर्ड लेते हैं टर्म्स। ये टर्म्स हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 3x+7। तो यहाँ पे देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं राइट लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिया है 3x+7। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किससे मिलके बना है? 3x और 7। जब हमने इन दोनों को एड कर दिया तो हमारे पास में क्या आ गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया राइट। अब देखिए ये क्या है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये है फर्स्ट पार्ट, इसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और ये है सेकंड पार्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट कैसे बना है? 3 को हमने क्या करा है, x से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो जब हम 3 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको जब हम 7 जो कि सेकंड पार्ट है उसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा राइट, या फिर ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हमने बोला टर्म। कौन सा टर्म? ये फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। और ये क्या है? ये भी एक क्या है? टर्म। तो इसे भी हम बोलेंगे टर्म। ये क्या हो गया? सेकंड टर्म हो गया। तो जस्ट हमने क्या किया है, जो हमने पार्ट्स लिए थे अलग अलग सेपरेट किए थे, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया है? टर्म। तो ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। तो अब आपको टर्म समझ में आ गया। और टर्म कैसे होते हैं? ये एड होते हैं। जब हम दो पार्ट्स को ऐड करते हैं तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है 4x² + 3y। इसके कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं। अब हम पार्ट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इनका इसका प्रॉपर नाम क्या है, टर्म। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। इस तरीके से कितने भी टर्म हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है 5xy, ये भी एक टर्म हो सकता है। तो इस तरीके से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 4x², दूसरा टर्म क्या हुआ? 3y, थर्ड टर्म क्या है हमारा? 5xy। हमने ये तो बोला कि हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स को एड कर रहे हैं राइट। अगर यहाँ पे माइनस साइन हो तो, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 4x² - 3xy। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब हम इसे कैसे लेंगे? तो पहला टर्म तो क्या है, एज इट इज 4x². अब सेकंड टर्म को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं वापस से लिख लेती हूँ 4x², यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्लस, और इसे मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकती हूँ राइट। ये दोनों सेम है क्योंकि हम इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, जब हम प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। सेम हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा राइट। तो अब क्या हो गया, आप देखा आपने, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं टर्म्स। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, -3xy। हम साइन के साथ लेंगे, माइनस साइन के साथ में। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 4x² जो है वो एज इट इज हो गया, और सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया, -3xy। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए 4x² फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, जबकि आपको पता है कि हम एडिशन लेते हैं टर्म्स को जब डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3xy हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ और आप खुद से उसे सॉल्व करिए और फिर आंसर मैच करिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 4x, सेकंड टर्म क्या होगा, हम साइन के साथ लेंगे राइट, तो -3y, और थर्ड टर्म क्या होगा, -5। तो आपको अब समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होते हैं, जब भी टर्म्स आए तो उसे साइन के साथ में लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं,
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 18, ओके 18 के फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 मैं लिख सकती हूँ, राइट। तो 2 और 9 18 का फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम एक एल्जेब्रिक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9xy, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए इसे हम सेपरेट करते हैं 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x और ये y, इनसे मिलके बना है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9xy मिल जाएगा। तो 9 × x × y, बस जस्ट हमने इनको सेपरेट कर दिया। तो 9xy का फैक्टर्स क्या हो गया, 9x एंड y, ओके। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है 5x − 2xy। तो यहाँ पे हम इसके टर्म्स भी निकालेंगे और फैक्टर्स भी निकालेंगे। तो आप मेरे साथ निकालिए, यहाँ पे देखिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो इसके टर्म्स क्या हो गए, क्या है ये फर्स्ट टर्म 5x और −2xy, ये दो टर्म्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे मैं एक एरो बना देती हूँ, ओके टर्म्स हमें पता चल गए। अब फैक्टर्स, तो यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 5x का फैक्टर क्या हो गया, 5 and x, तो 5 and x फैक्टर्स हो गए हमारे 5x के। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, −2, यहाँ पे भी हम साइन लेंगे। देखिए यहाँ पे टर्म्स में भी हमने क्या लिया है, साइन लिया है, यहाँ पे भी लेंगे। तो −2x and y, तो ये हो गए फैक्टर्स। तो देखा आपने कितना सिंपल है फैक्टर्स भी निकालना। तो होपफुली आपको ये दो वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, टर्म्स एंड फैक्टर्स। और कोफिशिएंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जरूर से प्रेस करना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।